स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बकेरा सारजे में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा की स्कूटी यामाहा रे ZR 125 के बारे में। इस स्कूटी से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आसान शब्दों में देने वाले हैं, साथ में इसका फीचर्स, माइलेज, प्राइस फुल डिटेल्स देंगे। तो वीडियो को दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब ऐसे ही बाइक इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें यामाहा रे ZR 125 में आपको टोटल 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। ये इसका मैट रेड कलर जो कि आपके सामने है। कंपनी ने यहाँ पे मैट रेड एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में फुल स्कूटी को रेडी किया है जो कि आपके सामने है। और साइड टेल पैनल में आपको देखने को मिलता है रे ZR का लोगो स्टिकर में, बाकी आपको फ्रंट में मिल जाता है यामाहा का स्टिकर में लोगो। चलिए दोस्तों आप इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। फ्रंट में मिल जाता है फ्रेंड्स आपको 90x90 का टायर साइज देखने को मिलता है और 12 इंच का आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको UBS का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क का भी फीचर्स देखने को मिलता है। इस स्कूटी में आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलता है। ये इसका डिस्क वाला वेरिएंट और आपको इसमें ड्रम वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है। हेडलैम्प मिल जाता है आपको फुल्ली LED का, लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर को कंपनी ने कहाँ पे मेंशन किया है, टूटने का संभावना बहुत कम है। और इंडिकेटर आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलता है। इंडिकेटर मिल जाता है आपको हेलोजन का। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों इसके ब्रेक लीवर के बारे में, तो वो भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, कंफर्ट आप देख सकते हैं। मिरर कंसोल मिल जाता है फ्रेंड्स आपको फुल्ली डिजिटल, लो बीम हाई बीम पासिंग का स्विच आपको स्कूटी में देखने को नहीं मिलता है। और यहीं पे बात कर लें दोस्तों इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो राइट में मिल जाता है आपको फ्रेंड्स इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्ट। और स्कूटी में एक खास बात यह है कि आप अपना सामान वगैरह बहुत आसानी से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हैंगर जो कि आप अपना थैला वगैरह इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। यहीं पे आपको की का सिग्नल बताएगा और यहाँ पे आपको एक हैंगर मिलेगा जिसमें कि आप थैला वगैरह मैंने बताया कि आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब दोस्तों इसके इंजन के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे आपको 124cc का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है। पावर मैक्सिमम पावर आपको मिल जाता है इस स्कूटी में 8.2 PS का और 6500 RPM पर, और मैक्सिमम न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलता है 10.2 Nm का, जो कि पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ग्रे हैंडल कंपनी आपको सिंगल में प्रोवाइड करती है। 5 लीटर के अप्रोक्स में फ्यूल टैंक कैपेसिटी, एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस स्कूटी में माइलेज अराउंड 65 का माइलेज निकाल लेती है प्रत्येक लीटर में। बाकी बैकलाइट मिलता है आपको हेलोजन का। बाकी लुक और डिज़ाइन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रियर का लुक और डिज़ाइन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और यहीं पे बात कर लें दोस्तों कि लुक और डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी रियर में आपको यहाँ पे सिंगल सोकर मिलता है स्विंग ब्रांड का, उसके बाद आप देखेंगे तो वो एडजस्टेबल आपको सिंगल सोकर देखने को मिलता है। रियर टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स रियर टायर साइज़ आपको 110x90 का आपको रियर में टायर साइज देखने को मिलता है। 12 इंच का आपको सेम फ्रंट और रियर में एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों प्राइसिंग को लेकर, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 82,000 के अप्रोक्स में, ऑन रोड शोरूम प्राइस है 92,000 के अप्रोक्स में। और एक चीज़ मैं दोस्तों क्लियर करूँ कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड शोरूम प्राइस में डिफरेंस होगा, तो मैं ये कन्फर्म नहीं कहूँगा कि इसका प्राइस इतना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।